करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड में लड़कियों ने मारी है बाजी। जहां 10वीं का रिजल्ट रहा 75.64%, 12वीं में 80.74% विद्यार्थी पास में हैं। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। 10वीं में जशपुर की सिमरन टॉपर बनी है, सिमरन को मिले 99.50 मार्क्स। तो वहीं आपको बता दें कि गरियाबंद की होनीशा को दूसरी रैंक, जशपुर के श्रेयांश को थर्ड रैंक मिली है। 12वीं में महासमुंद की महक अग्रवाल टॉपर रही, 12वीं में बलौदाबाजार की कोपल सेकेंड टॉपर बनी है और 12वीं में जशपुर के आयुषी गुप्ता थर्ड टॉपर बनी है। और इस तरीके से आप ये देखिए कि बहुत ही खुशी का माहौल सभी के परिजनों और घर परिवार में है, क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, न सिर्फ अपने जिले का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम गौरव बढ़ाया इन्होंने। और छत्तीसगढ़ के टॉपर्स की लगातार तस्वीर भी आपको दिखाई जा रही है, जहां 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। तो इन सभी टॉपर्स ने अपनी पढ़ाई का जो मेहनत उन्होंने की है, जो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई हैं, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो टीचर्स हैं उनके गाइडेंस के चलते और उनके पेरेंट्स के सपोर्ट के चलते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और 10वीं में जिस तरीके से पास होना भी कई बार मुश्किल होता है, और वहीं पर लड़कियों ने बाजी मारी है और अच्छे खासे नंबरों के साथ पास हुए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी, 10वीं का रिजल्ट रहा 75.64%। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और महक अग्रवाल 12वीं की टॉपर है, उनका बहुत स्वागत है। साथ ही सिमरन भी हमारे साथ जुड़ गई है, 10वीं की टॉपर है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है, महक और सिमरन। थैंक यू मैम। जी बिल्कुल, महक सबसे पहले तो आपके पास आते हैं, कैसा आप महसूस कर रही हैं? जो कि दिन बहुत ही खास है, आपने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको आज? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मैम, ऐसे लग रहा है मैं सातवें आसमान पे हूँ, इतनी खुशी हो रही है लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ सिमरन भी हैं। पहली सीढ़ी होती है जब तरक्की की राह पर निकलते हैं, पढ़ाई में अव्वल आना शुरू करते हैं। सिमरन 10वीं में टॉपर बनी, जाहिर सी बात है कि आगे भी ऐसे कुछ नया कर दिखाने का जज्बा होगा। किस तरीके से मेहनत की गई है, क्योंकि 10वीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो सीरियस पढ़ाई को लिया जाता है, और इसमें टॉप करना कैसा लग रहा है आपको सिमरन? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत किया था इस चीज के लिए। अब चूंकि और भी जो बच्चे होते हैं उनको ये जानने की उत्सुकता होती है कि आखिरकार किस तरीके से पढ़ाई की जाए, चूंकि 10वीं के जो छात्र होते हैं एक बार तैयारी करना और उसमें पूरा रिवाइज करना थोड़ी सी मुश्किल ही होती है कि सिलेबस अब काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो कैसे आपने तैयारी की है, किस तरीके का आपको सपोर्ट स्कूल से टीचर्स किस तरीके से गाइड कर रहे थे, पूरा जानकारी बताइए ताकि उन स्टूडेंट्स को भी इस बात की जानकारी मिले सिमरन जो अभी 10वीं क्लास में पहुंचे हैं। सिमरन जी, मैंने 10th में यहाँ एडमिशन लिया था स्वामी आत्मानंद स्कूल पर, और फिर स्कूल में जो टीचर्स हैं जितने भी वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने जो भी क्लास वर्क देते थे, होमवर्क देते थे, असाइनमेंट्स रहता था, ये सारी चीजों को मैं करती थी, टाइम पे फॉलो करती थी, सेल्फ स्टडी करती थी, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, मैं सेल्फ स्टडी से ही अपना ये रैंक लाई हूँ, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करती थी। स्कूल रहता था 8 से 2 बजे तक, उसके बाद घर जाके फ्रेश होके खाना खाके 4-5 बजे पढ़ने बैठते थे, फिर 11 बजे रात तक मुश्किल से मतलब कि पढ़ लेते थे। कोई टाइम का फिक्स नहीं है कि कितने घंटे पढ़ना है, जब भी टाइम मिले तब पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया जी, और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, जितने टीचर्स जो भी गाइडेंस देते थे उसको फॉलो किया, जितने भी एग्जाम्स होते थे उनके क्वेश्चन पेपर को फिर से सॉल्व करती थी, रिटन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया, हिंदी और हैंड राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए जी। और ये बहुत छोटी छोटी सारी चीजें हैं जो कि सिमरन बता रही हैं, और जाहिर सी बात है कि ये जो आपने बताई हैं ट्रिक्स, ये वाकई में उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर होंगी जो अब 10वीं के एग्जाम अगले साल अब देंगे, जो कि 10वीं क्लास पहुंचे हुए हैं। और अब हम चलेंगे
महक के पास, जो कि 12वीं की टॉपर हैं। और ये भी बहुत अच्छी एक पहल होती है कि कॉलेज की शुरुआत कैसे होनी है, कॉलेज में क्या सब्जेक्ट लेना है, ये आगे हम पूछेंगे महक। लेकिन अभी 12वीं का आप बताइए कि 12वीं क्लास में रहते हुए आपने किस तरीके से पढ़ाई की है, कितना वक्त आपने स्टडी को दिया, स्टडी के अलावा क्या आप और भी कुछ हॉबीज़ हैं आपकी, और भी कुछ कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में आप ध्यान दे रही थी? स्टडीज के अलावा मुझे डांसिंग और सिंगिंग का बहुत शौक है। मैं एक्टिवली होकर को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरे स्कूल में मेडल्स भी जीते हैं मैंने बहुत सारे। तो सिंग स्टडी को से बावजूद भी मुझे सिंगिंग और डांसिंग में बहुत ही ज़्यादा शौक है। और ऐसे जैसे आपने बोला कि कितने घंटे पढ़ती थी, मेरा ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं था कि मैं एक दिन में 8 या 9 घंटे पढ़ूंगी। मेरा ये था कि मैं टारगेट सेट कर लेती थी अपना कि आज मुझे इतने चैप्टर्स कम्प्लीट करना है, इतना पोर्शन कम्प्लीट करना है। फिर उस चैप्टर्स को कंप्लीट करने में अगर मुझे 2 घंटे लगे तो मैं उतना पढ़ती थी, या मुझे 6 घंटे लगे उतना पढ़ती थी। उस टाइम ऑफ पीरियड में मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देती थी, पूरा सिंसियरली पढ़ती थी। बिल्कुल। सिमरन आपके पास आ रहे हैं, पढ़ाई के अलावा और किन किन चीज़ों की हॉबी है, मतलब किस चीज़ में रुझान है आपका, क्या और करना पसंद है आपको? मुझे बुक्स रीडिंग करना पसंद है। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर है जी। मुझे आगे जाके यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो उससे रिलेटेड जो बुक रहती हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी की बुक्स, जिसमें बहुत सारा कुछ हमारे अभी के सिलेबस से भी कवर अप होता है, तो वो सारी चीजों को मैं रीडिंग करती हूँ, एनालिसिस करती हूँ और उसको समझने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, यानी कि जो टारगेट है वो बिल्कुल सेट हो चुका है सिमरन का। और जैसा कि आपने बताया है कि आगे चल के आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं साथ साथ में, बहुत अच्छी बात है। और इससे प्रेरणा मिलती है अपने घर परिवार के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी और प्रदेश के बच्चों को भी। महक, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है 12वीं के बाद क्या सब्जेक्ट हमें लेना है, हमें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या सोचा है आपने? मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं बीकॉम ऑनर्स करूंगी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस से। जी, और इसके लिए और भी कुछ खास तैयारी इसके लिए आप कर रही हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस यही एम है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, पहले से एम सेट रहेगा, उसे अचीव करने के लिए जितनी मेहनत लग सकती है लगा ली जाएगी। जाहिर सी बात है, इतने अच्छे नंबर आए आपके। और साथ ही मैं ये भी बताएं कि जब आपने अपना रोल नंबर डाला और जब आपने जो वेबसाइट है उस पर अपना रिजल्ट देखा, क्या पहले से आपको ये कन्फर्म था या अंदर से एक आवाज़ थी आपके कि आप इतने फर्स्ट रैंक लेकर आएंगी, टॉपर बनेंगी 12वीं की? तो क्या ये आपने पहले से सोचा हुआ था या फिर आप सिर्फ मेहनत ही कर रही थी? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मैं टॉप 1 आऊँगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि टॉप 10 में तो ज़रूर आऊँगी। एंड ऑनेस्टली मैंने देखा ही नहीं था साइट में जाके, एक्चुअली मैं चेक कर रही थी बट वो नेटवर्क इशू सर्वर डाउन के चक्कर में आ ही नहीं रहा था। सबसे पहले टीवी में देखा कि कक्षा 12वीं की महक अग्रवाल ने टॉप किया, उस न्यूज़ को देख के तो बहुत खुशी हुई मैम मुझे जी। अब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट देखा? ये तो पता होता है कि बच्चे इतनी पढ़ाई करी तो जाहिर सी बात है कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अगर टॉप कर ले बेटी, घर की बेटी ने टॉप कर लिया 12वीं में, तो उस वक्त क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? बहुत ज्यादा खुश थे मेरे मम्मी पापा, तो मेरे सारे घर वाले एकदम खुशी से झूम उठे थे, बहुत अच्छा लगा था उन्हें। बिल्कुल, ये होता ही है। और सिमरन आपके पास भी आते हैं, आप भी बताएंगे जब आपको पता चला कि आपने 10वीं में टॉप किया है पूरे प्रदेश में, उस वक्त क्या आपने ठान रखा था कि आपको ऐसा कुछ करना है या फिर सिर्फ मेहनत ही कर रही थी और ये आपके लिए भी एक सरप्राइज था आज का दिन? जी, मुझे मैंने वेबसाइट नहीं खोला क्योंकि सर्वर डाउन हो चुका था। और मैंने जब रिजल्ट दिया, मैं न्यूज में ही देखे थे रिजल्ट, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मेरी मम्मी थी मेरे साथ, वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई। जी बिल्कुल, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि हमारी बेटी 10वीं में टॉप की है प्रदेश में, उनका क्या रिएक्शन था? वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने खुशी को। जी, अब चूंकि जो स्टूडेंट्स अब 10वीं के एग्जाम देंगे अगले सत्र में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर, कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें, क्योंकि 10वीं एक सीरियसनेस आ जाती है स्टूडेंट्स में पढ़ाई को लेकर, और 10वीं का एग्ज़ाम निकालना और टॉप करना एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है तमाम बच्चों की। कोशिश ये होती है कि फर्स्ट डिवीज़न भी आ जाए, बहुत अच्छे रैंक्स आ जाएँ। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी सिमरन?
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वीक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को रीस्टार्ट करना चाहिए, उस चीज पे फोकस करना चाहिए, जो मतलब कि जो एडवांस लोग हैं उनसे हेल्प लेना चाहिए, मोटिवेटेड मोटिवेशन रहना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेगा, जी हार्डवर्क करेंगे, थोड़ा एफर्ट्स डालना जरूरी है उस चीज पे, और एफर्ट्स डालेंगे हार्डवर्क प्लस 100% कॉन्सेंट्रेट रहेंगे अपने गोल्स की तरफ, तो सक्सेस ऑलवेज मिलेगा ही, सक्सेस हमेशा मिलता है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और होती है बच्चों में कि जब एग्जाम टाइम आएगा तब हम दिन रात एक कर देंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। इससे बेटर क्या होता है, साल भर मन लगा के पढ़ाई करना, क्लास अटेंड करना, प्रॉपर क्लास अटेंड करना, रोज नोट्स बनाना, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मेरा मानना ये है कि एग्जाम के टाइम ऐसे पढ़ने से वो नहीं होता है, हम लोग को अगर टेंथ पे गए तो पूरा साल मेहनत करेंगे, डेली फर्स्ट डालेंगे, थोड़े थोड़े अच्छे से नोट्स बनाओ, टीचर्स जो गाइडेंस दे रहे हैं उसको पूरा करो, क्लास वर्क, होमवर्क, असाइनमेंट जो मिलते हैं, रिटन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि टाइम लिमिटेशन होता है 3 आवर्स का, और जी आंसर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, आंसर जितना अच्छा हम लोग प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा हम लोग को मार्क्स मिलेगा, ये सारे टिप्स है। बिल्कुल। और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को बताना ज़रूरी होता है कि आप आंसर के तरीके क्या होते हैं, वो भी बहुत निर्भर करता है कि आपके मार्क्स कितने बेहतर आए हैं, क्योंकि इतने बिल्कुल 100 में से 99% आ जाना, इससे ज़्यादा आ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। महक के पास चलते हैं, महक काफ़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। अब महक, जाहिर सी बात है कि बच्चों में एक उत्साह रहता है और स्कूल को बहुत खुशी मिलती है, स्कूल का भी नाम रोशन होता है, जाहिर सी बात है। आपने टॉप किया 12वीं में, आपका नाम तो रोशन हुआ ही, आपके घर परिवार में इतनी खुशी है, स्कूल की भी जो एक ख्याति होती है वो बढ़ जाती है। तो स्कूल से आपकी, स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं, किसी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? जी, सबने, सबसे पहले तो मेरे टीचर्स ने ही मुझे कॉल करके विश किया था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस महक, हमको तो पहले से ही पता था कि तुम कर पाओगी, तुमने किया भी, सब बहुत खुश है। इनफैक्ट जो टीचर्स अभी करेंटली नहीं भी हैं उन्होंने भी मुझे मैसेज किया, मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली क्योंकि जो टीचर्स थे ना, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। सो या माई टीचर्स आर द बेस्ट। और जाहिर सी बात है कि जैसे परिवार में अगर आप बड़ी हैं तो आपके साथ जो परिवार के और भी छोटे बच्चे होते हैं वो भी सीखते हैं कि हमसे बड़े जो कर रहे हैं हमको उसी चीज़ से सीख लेना है और आगे बढ़ना है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी होती है कि आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई हैं। और भी छोटे बच्चे हैं घर में जो पढ़ाई करते हैं? जी, मेरी बहन और मेरा भाई भी है, दोनों दोनों ही टॉपर्स हैं। अभी मेरी बहन के 99.8% आया है, क्लास 8 में है वो, और मेरे भाई का भी 98% समथिंग आया था। यानी कि भाई बहन सभी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। क्या ग्रुप स्टडी करते हैं आप लोग बैठ के साथ में, जी। या फिर आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते नहीं हैं? नहीं हाँ जी, उनको कुछ भी डाउट्स रहता है तो वो मेरे और मम्मी के पास चले जाते हैं कि दी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप समझा दो, तो मैं उनको समझा देती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। बड़ी बहन होने का या बड़ा भाई होने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं उनको घर बैठे एक अच्छे प्रेरणा के साथ साथ टीचर भी मिल जाते हैं जो उनको कभी भी किसी भी वक्त कोई भी डाउट क्लियर कर देते हैं। एक बार फिर से हम सिमरन का रुख करते हैं। सिमरन, आपकी फैमिली में आपसे छोटा कोई जिसे आप पढ़ाती हैं, या आपके बड़े कोई जो आपको पढ़ाते हैं, क्या घर में भी, जैसा कि आपने बोला कि आपने कोई कोचिंग नहीं की है, आपने सेल्फ स्टडी की है, तो क्या घर में कोई पढ़ाता था आपको? जी नहीं, मेरा एक बड़ा भाई है, वो अभी 12th में प्रमोट हुए हैं, हम लोग बैठते थे साथ में, वो अपना पढ़ाई करते थे, मैं अपना पढ़ाई करती थी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सिमरन, और साथ ही महक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने